हाय फ्रेंड्स, कैसे आप? फाइनली मैं आपके एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि फ्रेंड्स आज फ्राइडे है, तो मैं क्यू एन ए वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि फ्रेंड्स आप बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आप यानी कि पूछे हुए थे। तो मैं सोचा कि यानी कि फ्राइडे यानी कि क्यू एन ए वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अगले यानी कि क्यू एन ए को मैं शायद यानी कि वीडियो नहीं बनाकर अपलोड करा, पिछले यानी कि अपलोड करा हुआ था, तो और भी कुछ उसमें से भी मैं कुछ यानी कि पिकअप कराऊँ। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे जो कि सवाल यानी कि आप यानी कि पूछे हुए थे, तो फ्रेंड्स आप फिर सभी यानी कि वीडियो बने रहे और मैं एक एक जो कि सवाल के यानी कि लाइव के साथ यानी कि स्क्रीन शूट करके रखा हूँ और उसके बाद आपको यानी कि जवाब दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे वीडियो बना रहे और फिर बिना स्किप के देखा, क्योंकि फ्रेंड्स स्किप कर देंगे तो बहुत अच्छे से सवाल आप यानी कि नहीं पूछ पाएंगे, ठीक है? तो चलिए आगे वीडियो बनाए, प्लीज़ देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स डायरेक्ट गैलरी वाला ऑप्शन यानी ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमारे क्यू एन ए में स्क्रीन शूट यानी करके रखा हूँ। तो चलिए मैं फर्स्ट यानी कि क्यू एन ए को और चलते हैं। फ्रेंड देखिए क्यू एन ए नहीं है मगर फ्रेंड्स यानी कि कुछ यानी कि लिखे हुए, तो मैं सोचा कि आपको बता दूँ। तो चलिए फ्रेंड लिखा हुआ है एम डी स्वाइप ऑफिशियल की नाइस वीडियो, बहुत ही अच्छा लगा, कीप इट अप, हम आपको साथ है, सक्सेस जरूर मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच सबसे पहले एमडी जी को और आप सभी को भी, क्योंकि फ्रेंड्स यानी कि बहुत अच्छे बात है इनकी लिखे हुए कि नाइस वीडियो है सर, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप ऐसे ही यानी कि बनाते रहिए, एक ना एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स मैं भी आप सभी को दिल से जो कि धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को सपोर्ट और प्यार से जो कि इतना तक जो कि बढ़ पाए और भी अच्छे जो कि आप सभी सपोर्ट प्यार करेंगे तो और भी आगे जो कि बढ़ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे क्यू एन ए के स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स यानी कि आगे वाला इनकी क्यू एन ए की मैं आप सभी को बता दूँ। क्वेश्चन राकेश मंडल ने इनके लिखे हुए कि मैक एड्रेस कितने मोबाइल लगा सकते हैं सर, 10 मोबाइल नहीं लग रहा है। तो चलिए राकेश जी का सवाल बहुत अच्छे थे, तो मैं सोचा कि इनकी इसका वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स सेंसर फ्रेंड जो क्यों वीडियो में रख देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को भी मालूम चल जाएगा। ये राकेश जी का कहना है फ्रेंड्स इनके हम वाईफाई राउटर में इनकी बोलिए ना कि 10 मोबाइल इनके हम माइक एड्रेस फ्रेंड नहीं कैसे लगा सकते, मतलब 8 मोबाइल इनके लगा सकते हैं एक एक एस आई डी में। तो क्या फ्रेंड्स इनके 10 आई डी इनके 100 रुपये जो कि 10 मोबाइल इनके लगा सकते हैं? तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि 10 मोबाइल इनके लगाने के लिए हमें इनकी एस एस आई डी जो कि 1 इनेबल पहले से होता है, तो हमें इनकी एस एस आई डी जो कि फ्रेंड्स इनके 2 इनेबल करना होगा, तब उसमें फ्रेंड्स इनके 8 लगा सकते हैं, 8 दोनों 16 इनके हो जाएगा, ठीक है? तो आप इनकी 8 से ज़्यादा इनके लगाना है ना, तो आप इनकी सबसे पहले इनके एस एस आई डी को इनेबल कर लीजिए, उसके बाद लगेगा। नहीं तो फिर न्यू राउटर इनकी आपका होगा ना, तो शायद उसमें 8 से भी ज़्यादा इनकी मैक एड्रेस भी लगता है और ब्लॉक भी हो जाता है, ठीक है? पुराना वाला राउटर में फ्रेंड्स यानी ब्लॉक आप ज़्यादा को कर सकते हैं और यानी बोले इनकी मैक एड्रेस आप 8 को डिवाइस में इनकी ओनली लगा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए राकेश जी का सवाल बहुत अच्छे थे, इस पर वीडियो बनाए प्लीज़, आई आइकन पर आएगा जाकर एक बार जरूर चेकअप कर लीजिएगा, उससे पहले प्लीज़ की मैंने वीडियो देखते रहिए। तो चलिए अगले सवाल को चलते हैं और यहाँ पर रौनक गुप्ता जी इनके लिख रहे क्या आप नेपाल से हो? तो चलिए रौनक जी बहुत अच्छे सवाल है, मैं आपसे बता दूँ बहुत ही दोस्तों फिर मालूम ही होगा, बहुत ही दोस्तों फिर मालूम नहीं, ठीक है? फिर मैं जो कि नेपाल से ही हूँ और फिर प्रदेश मधु बारह जिला से जो कि मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? आप सबके बहुत ही दोस्तों का ही मालूम होगा। तो चलिए रौनक जी मैं भी नेपाल से हूँ। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। डीजे मैथी सॉन्ग जिनके लिखे हुए है कि हवाई का राउटर है उसमें कैसे बंद होगा क्यूआर कोड, सिखाइए। तो चलिए बहुत हवाई लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, यानी कि डीजे जी का कहना है कि हमारे यहाँ हवाई का राउटर है, तो क्या हम उसमें क्यूआर कोड यानी कि बंद यानी कि कैसे होगा, ठीक, बैंड यानी कि कैसे होगा? तो फिर साथ ही बता दूं कि हवाई में भी हो सकता है, जो कि डब्ल्यू पी वाला ऑप्शन इनेबल होगा ना, तो उसे यानी कि आप डब्ल्यू पी ए 2 पर्सनल में कर दीजिएगा, तो आपका यानी कि बंद हो जाएगा, ठीक है? और नहीं करना आता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इनके हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, इंस्टाग्राम का नेम है हमारा संतोष परवाना 1, प्लीज़ वहाँ पर जाकर फॉलो करिए और वहाँ पर आइए, हम आपको बता दूंगा, ठीक है? हमारे पास हवाई के राउटर होता तो मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर देता, मगर फ्रेंड्स हवाई के राउटर हमारे पास नहीं है। तो चलिए एम डी जी के भी सवाल बहुत अच्छे थे और अगले सवाल को और चलते हैं। और यहाँ पर अगले सवाल है कि लव राजा कलामुद्दीन यानी कि पूछे हुए कि सर कस्टमर केयर को नंबर कती हो? तो चलिए लव जी बहुत अच्छे सवाल है, तो मैं आपसे बता दें फ्रेंड्स कि कस्टमर केयर वाला नंबर जो कि मैं बताया हूँ फ्रेंड्स, दो नंबर एक वाइबर से आप इनके डायरेक्ट चैट कर सकते हैं और एक बोलिए ना कि हम इनकी डायरेक्ट इनकी काठमांडू वो भी फ्रेंड्स एनसेल नंबर से इनकी कॉल लगा सकते हैं और भी पैकिंग कर, तो हमारा एक भी पैसा नहीं लगेगा और बहुत आसानी तरीके से इनकी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स वो नंबर कहाँ से ले आपसे बता दूँ कि डायरेक्ट इनके आई आइकन पर एक वीडियो आएगा, तो इन डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा प्लीज़, वो मैं एक वीडियो बनाया था कि 2023 में इनकी हमारा होम पेज इनकी लॉगिन नहीं हो रहा है, तो इनके होम पेज इनकी लॉगिन कैसे करें, ठीक है? तो वही वीडियो में आप सबको जाकर एक देख लीजिएगा, आई आइकन पर आएगा तो इन इस पर लगा, उसी में आप सबको मैं स्क्रीन शूट में कर रख दिया हूँ, ठीक है? तो एक बार जाकर चेक कर लीजिए। तो चलिए अगला सवाल और यहाँ पर लिख रहा है कि संदीप शाह जी इनके लिख रहे हैं भाई एनसेल राउटर में 2 नेम सेट कर रहे हैं। तो चलिए संदीप जी का भी बहुत अच्छे सवाल है, तो मैं आपसे एक बता दूँ फ्रेंड्स कि उसमें भी आप एस एस आई डी इनेबल कर देंगे ना, एस एस आई डी ब्रॉडकास्ट होता है उसे इनकी इनेबल कर दीजिएगा, 2 वाला जो कि एस एस आई डी पर क्लिक करेंगे ना तो उसमें 2 आएगा, आप तो 3-4 आएगा तो उसमें क्लिक करेंगे ना तो आपका नेम सेट करना होगा, सेम पहले ही से की तरह वैसे ही करके आप सेट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आपसे क्या पसंद है जो मैं बता दूं कि मेरे पास तो राउटर नहीं है जो कि एनसेल वाला, नहीं तो मैं वीडियो भी बना देता। आपको अगर जानना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम संतोष परवान 1 पर आइए, वहाँ पर आपको इनकी डायरेक्ट हम बता देंगे, ठीक है, आपको कैसे इनकी करना है। तो चलिए, ये भी सवाल बहुत अच्छे थे और अगले सवाल को और चलते हैं। और शंकर पटेल जी इनके लिखे हुए हैं कि चेंज एडमिन चेंज कैसे होगा। तो चलिए, ये भी बहुत अच्छे सवाल है। इस दोस्त का क्या नाम है कि चेंज एडमिन चेंज कैसे होगा। तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि एक बार जो कि हम एडमिन जो कि यानी कि चेंज कर देते हैं, तो फ्रेंड्स एडमिन पहले आपसे को बता दूं कि एडमिन यानी कि चेंज ही नहीं होता है। क्या है कि फ्रेंड्स हम एडमिन जीपीएन क्या यानी कि एडमिन बोलने का ऑप्शन क्या होता है, यानी कि बोलने के राउटर को वही यानी कि खोलने वाला एडमिन एडमिन दाबते हैं तो फ्रेंड्स दूसरे राउटर में होता है, ठीक है। हमारे फर्स्ट वाला राउटर में ना हम एडमिन जीपीएन देते हैं, उसका पासवर्ड में ELC हाई जेप देते हैं, ठीक है, कैपिटल वाला। तो फ्रेंड्स एडमिन जीपीएन कभी भी इनके राउटर का चेंज नहीं होगा। तो यूजर एडमिन हम लिखते हैं वो नहीं चेंज होगा, उसका फ्रेंड्स आप पासवर्ड बोलते हैं ना वो पासवर्ड इनके चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, एडमिन चेंज कैसे करिए नहीं होगा फ्रेंड्स, एडमिन का आप पासवर्ड इनके चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, शंकर जी का बहुत अच्छे सवाल था, मैं सोचा कि बहुत ही दोस्त फ्रेंड्स इसमें भी यानी कि बोले सोच रहे होंगे चेंज एडमिन चेंज कैसे होगा, ये भी यानी कि सोच रहे होंगे। तो फिर साथ ही बता दूँ कि उसका पासवर्ड चेंज होता है, एडमिन जीपीएन की कभी भी चेंज नहीं होता है। तो चलिए अगले सवाल को और चलते हैं। और यहाँ पर एहसान मियाँ जी इनके लिखे हुए है कि राउटर के पीछे का पासवर्ड सबका सेम होता है क्या। तो चलिए, एहसान मियाँ जी बहुत ही अच्छे सवाल है। फिर साथ ही बता दूँ कि राउटर का फ्रेंड बैक साइड का जो पासवर्ड होता है, ठीक है, जो कि नंबर में होता है, जिसमें 1 2 3 4 ऐसा कुछ नंबर मोबाइल नंबर जैसे होता है वो पासवर्ड। तो फ्रेंड्स आपसे को बता दो फ्रेंड्स, हर एक राउटर का ना इनकी फ़र्क फर्क पासवर्ड होता है। अगर सेम होता ना तो हम इनके एक ही राउटर के इनके हमारे पास इनकी एक राउटर के पासवर्ड मान ले जान लेते सॉरी जान लेते तो क्या हम यूजर एडमिन और उसका पासवर्ड रख के हर एक राउटर का पेज खोल कर कुछ भी हम कर सकते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स वैसा नहीं होता है, इनकी हर एक राउटर का इनकी पासवर्ड सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको इनके मालूम चल गया होगा एहसान जी, और भी दोस्तों को ये मालूम चल गया होगा कि हर एक राउटर का पीछे का पासवर्ड इनकी फ़र्क फर्क होता है। तो चलिए अगले सवाल को चलते हैं। और यहाँ पर श्याम बाबू ऑफिशियल 015 जीमेल जी इनकी पूछे हुए कि सर सिबुसू राउटर के इंटरनेट बिल्ड कैसे करें, ऑन ऑफ ऑटोमेटिक करें। तो चलिए, आपसे जो श्याम बाबू जी इनकी बोल रहे हैं कि मैं आपको बता दूँ फिर आपको इंटरनेट बिल्ड करना है, इनकी बोले इनकी बिल्ड करना है। तो इनकी हम क्या इनकी बिल्ड करेंगे फिर स्पीड इंक्रीज करने के लिए ना, मैं इसे वीडियो बनाया हूँ, आई एक्न पाएगा तो इंग्लिश पर लगा दूंगे, प्लीज़ जाकर वह चेकआउट करिएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स इनकी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कैसे करें इस पर भी मेरा वीडियो बना है, प्लीज़ वो भी जाकर एक बार मेरे चैनल पेज में है ना, वो भी जाकर एक चेकआउट करिए, अथवा आई एक्न पे होगा तो मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो श्याम बाबू जी आप वो दोनों वीडियो देखिए और उसके बाद यहाँ पर हम सेट इनकी कर सकते हैं, आपका ऑटोमेटिक ऑन ऑफ इनकी कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल को चलते हैं। और यहाँ पर अगले सवाल इनकी पूछ रहे हैं कि एंथम गेमिंग YT जी इनकी पूछ रहे हैं एंथम गेमिंग YT जन की पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड यूजर 30 Mbps का वाईफाई है तो मेरा में 100 Mbps कर सकता है क्या 1350 में। तो चलिए जी मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छे सवाल थे एंथम जी एंथोनी जी गेमिंग जी, आप सबको बता दूं कि आपका 30 Mbps का अगर राउटर जो कि नेट है ना, तो अभी फिलहाल आपका नेट इनकी चेक करिएगा, ठीक है, सिबुसू राउटर की सेल्फ करेंगे लॉगिन कर उसमें इनकी चेक करेगा। मैं इस पर वीडियो बनाया, प्लीज़ आई कर पाएगा तो इन इस पर लगा, प्लीज़ जाकर चेकआउट करिएगा। उसके बाद चेकआउट करने के बाद फ्रेंड्स इनकी उसमें देखिएगा आपका भी ऑफर आया हो कि नहीं, ठीक है। अगर ओल्ड यूजर है ना तो आपके इनकी 30 Mbps होगा, मगर फ्रेंड्स क्या होगा ना कि आपका इनके अभी तक मैं भी जो कि अभी फिलहाल नेट में रिचार्ज करा ना तो इनकी 100 Mbps में नेट चल रहा है 1350 में। तो अगर आप ओल्ड यूजर है ना तो एक चेक करिए, नहीं तो कस्टमर केयर में फ़ोन करके बातें करिए, आपको नंबर लेगा, ठीक है, और उसके बाद आपका चेक करेगा आपका 100 Mbps चल अगर ऑफर होगा ना तो आपका 100 Mbps चलेगा, मगर फ्रेंड्स इनकी 1350 फिर से इनकी जॉब से समाप्त होगा जॉब से चलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल अगर नेट इनकी 10 Mbps चल रहा होगा और अभी 15 दिन और बाकी है तो फिर 15 दिन बाद वो एक्टिवेट होगा, ठीक है, मगर एक्टिवेट होगा, आपका पहले ऑफर चेक करिए उसके बाद आप चला सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल को चलते हैं। और यहाँ पर पूछे हुए कि आयुष मंडल जी पूछे सर सिबुसू वाईफाई यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ आयुष जी कि सिबुसू वाईफाई का यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम फ्रेंड्स एडमिन जीपीओन, और उसके बाद पासवर्ड में हम डिफॉल्ट पासवर्ड ELC-FGUE की लिख सकते हैं, ठीक है, पासवर्ड है राउटर लॉगिन हो जाएगा। और एक और पासवर्ड यूजर एडमिन, ठीक है, यूजर नेम यूजर एडमिन और पासवर्ड नोकिया राउटर बैक साइड के पासवर्ड होता है पछाड़ी के वाला, वही पासवर्ड दे देंगे तो अभी राउटर में खुल जाएगा, ठीक है, दो ही पासवर्ड होता है। तो चलिए अगले सवाल को और चलते हैं। और आप अगले सवाल पूछे आयुष मंडल फिर से पूछे कि सिबुसू वाईफाई के होम गेटवे पेज नहीं खुल रहा है, तो
तो चलिए आयुष जी, मैं आपको बता दूं कि इस पर मेरा वीडियो ऑलरेडी बना है, आप इनके जाकर उसे ट्राई करिए, जरूर खुल जाएगा। और नहीं खुलेगा तो कस्टमर केयर में बात करिए, आपका इनकी प्रॉब्लम जरूर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पर वीडियो बनाए, प्लीज़ आई कैन पर लगा दूंगा तो इंग्लिश में लगा दूंगा, प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए कहीं कुछ हम सवाल इनके पिकअप करे हुए थे, तो आप सबके फ्रेंड्स इनकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और साथ में फ्रेंड्स हमारे चैनल संतोष पर और ऑफिसर पर नए थे, कृपया लाइक शेयर कर दीजिएगा, और साथ में वीडियो अच्छा लगे तो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम वाईफाई लेटे, यूट्यूब लेटे, मोबाइल ऐप लेटे सभी पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों मिल जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और भी कोई भी सलाह हो तो प्लीज़ जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसका जरूर रिप्लाई दूंगा, नहीं तो उस संबंधी वीडियो बनाकर जल्द अपने चैनल से अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, और वीडियो को मैं लंबा न करते ही पिन करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।